जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, यू नो ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। यू नो जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज द पर्पस। यू नो माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। नॉट अबाउट माइलस्टोन, व्हाट इट्स अबाउट इज यू नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट। I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present. I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present mein jo main karta hu, uska effect aap bol sakte ho, aane wale future mein padta hai. So it's the most important thing. Because we all go through almost the same thing. But at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And, you know, it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. Agar saal bhar mehnat kare hoge, to ek din se fark nahi padega. Agar saal bhar mehnat nahi ki hoge, to bhi ek din se fark nahi padega. Nahi, agar aapne saal bhar padhai ki hogi, to aapko sare answers pate honge. Thoda aap miss karoge, thoda भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे। ऐसा नहीं कि लास्ट दो महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी नौ महीने दस महीने में हम कुछ भी नहीं करें। ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आसपास इतने सारे मोटिवेशन है। यू नो आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, all different things, because her individual different hota hai. So, and I feel for me, you know, country is the biggest or the most motivating factor. What game of cricket teaches me? It teaches you a very important lesson in life. I feel cricket is, it's a great leveler. If you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket ek aisa game hai jo फ्लिप ऑफ पॉइंट से स्टार्ट होता है। यू नो टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा। क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रांग बॉलर होता है वही आपको बोलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर। और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती है, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ।